तो चल रही है, लेकिन नौजवानों में भारी निराशा, उसमें जिस तरह से एक अन्याय हो रहा है नौजवानों के साथ, तो नौजवानों की निराशा पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे। पुलिस की जो एक तरीके से जगह जगह पुलिस का अत्याचार, ये चिंता की बात है, लेकिन जो लोगों में कुछ कुछ नाराज़गी है और इस मामले में जो सरकार अगंभीर है, उसका परिणाम ये निकला कि अब चुनाव में भी वो नाराज़गी दिखी। सात दलों के महागठबंधन से चल रही बिहार की सरकार के अंदर मुसीबत दिखने लगी है। मुसीबत इस बार विपक्ष ने नहीं बढ़ाया, बल्कि इस बार सत्ता के सहयोग में बाहर से समर्थन देने वाली पार्टियों ने ही बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के काम पर सवाल उठाया है। आपको बता दें कि सहयोगियों ने कहा है कि नीतीश और तेजस्वी ने जो भरोसा जनता को दिखाया था, दिलाया था, जो वादा किया था, उस पर वो खरा नहीं उतर रहे हैं। दरअसल गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव में राजद को मिली हार के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार से जो लोग हैं वो नाराज हैं, क्या नई सरकार ने जो वादा लोगों से किया था उसे पूरा नहीं कर रही है। इसका खमियाजा गोपालगंज में आरजेडी को भुगतना पड़ा, या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने सरकार बनने के साथ ही लोगों से कहा था जिस तरीके से नौकरी और रोजगार देने की बातें, वो पूरा नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं चूक हो रही है, और यही वजह है कि इस सरकार से लोगों का भरोसा टूट रहा है। जब भरोसा टूटता है तो लोग नाराज होते हैं और परिणाम इसी तरीके से सामने आता है। दरअसल 12 विधायकों के साथ समर्थन दे रही माले ने यह दावा किया है। दो दिनों तक पटना में महामंथन के बाद माले के महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की महागठबंधन वाली सरकार से जनता नाराज है, लोगों के भरोसा पर यह सरकार खरा नहीं उतर रही है। जिस डिपार्टमेंट में नौकरी और रोजगार देने की बातें कही गई थी, उस पर सरकार ने अब तक तो कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। दीपांकर ने शिक्षा विभाग का हवाला दिया है, कहा है कि शिक्षकों की समस्या के वजह से शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग सरकार नहीं सुन रही है और अब तक नौकरी देने को लेकर शिक्षा विभाग ने कोई खास पहल नहीं की है। दीपांकर भट्टाचार्य ने जिस तरीके से सवाल उठाया है महागठबंधन के ऊपर, उसके बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें, जब माले के द्वारा ही सवाल उठाया गया है और आने वाले वक्त में विधानसभा का सत्र चल रहा है, जाहिर सी बात है कि सरकार में शामिल होने के बाद भी माले बाहर से समर्थन दे रही है और वो आम लोगों के मुद्दे पर हमेशा बात करती है, और यही वजह है कि पटना में मंथन करके इस बात पर फैसला लिया गया कि सरकार की कमियों को गिनाया जाए। जब सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वही अगर सरकार को आईना दिखाएंगे तो फिर विपक्ष सरकार की मुसीबत जरूर बढ़ाएगी। एक तरफ तेजस्वी और नीतीश कुमार लोगों को नौकरी और रोजगार देने के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ उनके सहयोगी ही नीतीश और तेजस्वी के इस मुहिम के आईना दिखा रहे हैं। भाकपा माले ने कहा कि सरकार ने नौकरी की बात की थी, लेकिन सूबे में शिक्षकों की बहाली पर अब तक किसी भी प्रकार की कोशिश नहीं होना बेहद चिंताजनक है। इससे बिहार के युवाओं में आक्रोश पनप रहा है। महागठबंधन की सरकार में पुलिस का आम लोगों पर दमन भी जारी है। सरकार ने बार बार कहा कि बिना वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किए बगैर गरीबों को नहीं उजाड़ा जाएगा, लेकिन ऐसे बयानों के बावजूद जगह जगह गरीबों की झोंपड़ियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी जनता की नाराजगी साफ दिखी है। महागठबंधन सरकार को इसके प्रति गंभीरता दिखानी होगी, जनता से किए गए वादा को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठानी होगी, नहीं तो जनता का मोहभंग होने में देर नहीं लगता है। बिहार में बस आखिरी बात, बिहार में अभी हम देख रहे हैं कि सरकार तो चल रही है, लेकिन नौजवानों में भारी निराशा,
पूरे भर्तियों को लेकर के जो उसकी प्रक्रिया चल रही है उसमें जिस तरह से एक अन्याय हो रहा है नौजवानों के साथ, तो हम अभी भी सरकार से कहेंगे कि बहुत उम्मीद सरकार से जुड़ी हुई है, तो नौजवानों की निराशा पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे। पुलिस की जो एक तरीके से जगह जगह पुलिस का अत्याचार, खासकर समस्तीपुर में जो हमने देखा, दरभंगा में देखा, उजियारपुर वाले कांड में, तो इस पर कहीं कोई सरकार ने नोटिस नहीं लिया और इस पर लगाम कसने की कहीं कोई कोशिश नहीं दिख रही है। ये चिंता की बात है और अगर इसी ढंग से सरकार काम करेगी तो जैसे उपचुनाव में हमने देखा कि गोपालगंज में कोई वजह नहीं थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जीतने की, लेकिन जो लोगों में कुछ कुछ नाराज़गी है और इस मामले में जो सरकार अगंभीर है उसका परिणाम ये निकला कि अब चुनाव में भी वो नाराज़गी दिखी। इसीलिए हम तो कहेंगे कि बिहार सरकार गंभीरता से इसको इस पर ध्यान दे और तभी बिहार में जो जनता की उम्मीद इस सरकार से जुड़ी हुई है वो पूरी हो पाएगी।